खबर सुनी मैंने, मैं उसकी देख रहा हूँ वो क्या है उसमें, वो पता नहीं वो कुछ अर्थ वर्थ थोड़ा सा हुआ है ऊपर उस बाबू की तरह। मुझे नहीं लगता है वो शीजीपुर रोड है, क्योंकि वहाँ तो बहुत जमीन चाहिए अगर वहाँ अच्छे अच्छे रोड चाहिए। सर लेकिन तो जिसका देख लेंगे, जिसका जमीन गया है उसको कम्पनसेट तो करना ही है, वो देख लेंगे। मैं उसको देख लूंगा क्या मसला है उसका, तो अगर अगर हमें चाहे तो ठीक, अगर नहीं चाहे तो हम वापस भी कर सकते हैं जमींदारों को वापस, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता है शायद वो फिजिबल नहीं है। मैं वहाँ महकमा R&B की बेजाब्तगियां उरूज पर है। आपको बता दें कि R&B डिपार्टमेंट की जानिब से साल 2018 में लंगेट के अंदर एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, एक रोड बनाया गया तुलवारी हाजन रोड, और रोड जब बनाया गया तो जो जमीन मालकान हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही वहां पर रात के अंधेरे में JCB चलाया गया R&B डिपार्टमेंट की जानिब से, उसके बाद कहा गया कि अब जो हुआ सो हुआ, जो जमीन मालकान हैं उनको मुआवजा फराहम किया जाएगा। लेकिन आज 6 साल हुए हैं, अभी तक इन जमीन मालकान को मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। वहीं पर जो कॉन्ट्रैक्टर जिसकी जानिब से अर्थवर्क यानी कि जमीन की कटाई का काम हुआ, यानी कि वो रोड वहां पर बनाया गया, उसका जो पैसा था वो कुछ ही दिनों में साल 2018 के अंदर ही रिलीज किया गया, लेकिन जो जमीन मालकान हैं वो अभी तक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन R&B डिपार्टमेंट का इसमें कोई वाजिया जवाब नहीं है कि उनकी जानिब से मुआवजा फराहम क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि साल 2018 में ही इसी रोड को लेकर फंड्स भी आई थी, जो कि अभी भी फंड्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यह बात समझनी मुश्किल है कि R&B डिपार्टमेंट ने आखिर अगर जमीन मालकान को बताया भी नहीं, विदाउट एनी नोटिस वहां पर रात के वक्त JCB चलाकर वहां तहस नहस कर दिया, वहां पर जो पेड़ पौधे थे उनको भी जबरदस्ती निकाला, अगर ऐसे ये सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद भी मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। वही जब इस मामले को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जवाब हैरान कुन था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने जवाब में कहा कि वो जो सड़क है वो फिलहाल काबिल अमल नहीं है, यानी कि अगर साल 2018 में सड़क की तामीर हुई तो वो किसके कहने पर हुई, क्या इंजीनियर्स उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उस टाइम नहीं सोचना चाहिए था कि क्या यहां से एक राबता सड़क बन सकती है या नहीं बन सकती है। इसके साथ साथ जहां से ये राबता सड़क बनाई गई उसके बगल में ही तमाम जमीन सरकारी है, यानी कि अगर सरकारी जमीन आपके पास अवेलेबल थी तो आपने क्यों उन जमीन मालकान की जमीन ले ली जिनकी जमीन मिल्कियत थी, यह भी एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ सवालिया निशान ये है कि अगर सड़क बनानी ही नहीं थी तो ठेकेदार को किस चीज का पैसा दिया गया, और यहाँ पर सवाल यह भी है कि अगर वहां से सड़क नहीं बननी थी, यानी कि अगर वो साइट सड़क बनाने के काबिल थी ही नहीं तो वहां पर काम क्यों हुआ, अर्थवर्क क्यों हुआ, ठेकेदार को पैसा किस चीज का दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी सवाल उठता है क्या ये तरगीब, ये जो काम होता है क्या ये सिर्फ सरकारी खजाने को लूटने के लिए होता है, क्या ये ठेकेदारों के जो जेबें हैं उनको भरने के लिए होता है, ये भी सवाल है। वहीं पर साल 2018 में ही हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसमें एक डायरेक्शन दी है कि इन जमीन मालकान को जल्द से जल्द आप कंपनसेट कीजिए, लेकिन उस डायरेक्शन का भी वायलेशन किया गया। आज 6 साल गुजर गए, अभी तक उन जमीन मालकान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और वही जब महकमे से राबता किया जाता है तो उनकी जानिब से यह जवाब आता है कि जनाब हमें वो सड़क अब जरूरत नहीं है, हम जमीन वापस कर रहे हैं, यानी कि जो जमीन मालकान का नुकसान हुआ और जो आपने सरकारी खजाने को चूना लगाया उसका जवाब कौन देगा, यह भी सवाल यहां पर है। इसके साथ साथ अगर सड़क थी ही नहीं, ठेकेदार को आपने लाखों रुपए किस बात के दिए और वो किस इंस्पेक्शन के बाद आपने पैसे रिलीज किए, अगर आपको सड़क नहीं चाहिए थी, अगर वो साइट वहां पर सड़क के लिए मुआफिक नहीं थी तो आपको उसी वक्त पहले देखना चाहिए था,
यानी कि जो इंजीनियर्स आपके डिपार्टमेंट में होते हैं उनका काम फिर क्या होता है, ये भी सवाल निशान है। क्या वो उस टाइम ड्यूटी पर नहीं थे या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, इस बात का भी जवाब देना उन अफसरान के लिए लाजमी बनता है जिन्होंने यह काम किया है जो इन बेजाब्तगियों को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब मामलों के बाद जो आम लोग होते हैं उनका भरोसा इन अफसरों और इन डिपार्टमेंट से उठता है। एक तो आपने जबरदस्ती जमीन ले ली, उसके बाद आप कंपनसेट भी नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट का भी कहना आप नहीं मान रहे हैं, और 6 साल बाद आप कह रहे हैं कि ये जो सड़क है ये राबते के लिए ठीक नहीं है। अगर मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस सड़क से हेलीकॉप्टर गुजारना था या हेलीकॉप्टर को लैंड कराना था तो उस चीज का मुआयना पहले ही करना था। अभी मौजूदा वक्त में वो सड़क वहां पर जो अर्थवर्क हुआ है वो आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं, वहां पर काम हुआ है, यानी कि जो जमीन मालकान है उनका नुकसान हुआ है, उनकी जमीन को तहस नहस किया गया है और रात के अंधेरे में तहस नहस किया गया है। जमीन मालकान का कहना है कि ये कहां का इंसाफ है, उनको दबाने की कोशिश अब की जा रही है, क्योंकि अगर आपने ठेकेदार के पैसे रिलीज किए किस बिना पर किए, या अगर आपने अब सड़क बनाई है तो मुआवजा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वही अब जमीन मालकान ने इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से अपील की है, वो इस मामले को खुद देखकर इसमें इंटरवेंशन करे और जल्द से जल्द इन जमीन मालकान को कंपनसेट किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।